इंसल्ट्स या डिसरिगार्ड्स हो तो उस वक्त जरा स्थिर रहना, तो आप आगे बढ़ पाएंगे. यू आर नॉट चेक्ड बाय योर परफॉर्मेंसेस, यू आर चेक्ड बाय हाउ यू हैंडल्ड फेलियर्स. फॉर्च्यून 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसमें से कहीं सीईओस को मैं मिला हूं. नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं. अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था. बड़े बड़े सीईओस को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओस को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग मोर देन 10 करोड़ रुपीज पर एनम इन सैलरी, व्हाट डू यू आस्क देम इन देयर इंटरव्यूज. तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था. मैंने बोला कि क्योंकि कहीं एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 करोड़ 100 करोड़. मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं. ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, इंफोसिस नहीं, इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है. एलिसन उनका सीईओ है, एलिसन ओरेकल, ओरेकल कंपनी है. आप नेट पे जाके ओरेकल खोलना, एलिसन नाम डालना और उनकी तनख्वाह आप देखना. पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर. साइलेंस. $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो. $1 मिलियन इज, दैट इज $10 लाख इज 7 करोड़ रुपीज. सो 400 मिलियन इज 2800 करोड़ रुपीज पर एनम सैलरी. अब देख लेना, मैं नाम देता हूं, एलिसन ELLISON, he is the CEO of Oracle. आप नाम देख लेना. अभी परसों ही आपने सुना होगा सुंदर पिचाई का, गूगल के सीईओ, पर डे की सैलरी 3.5 करोड़. परसों ही न्यूज थे, हाँ 2 दिन पहले न्यूज थे, इन द प्रिंट मीडिया इट इज टूडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में. लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी, टू बी एग्जैक्ट 1285.5 करोड़. मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की. सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, आप देख लेना. मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की. हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे. मैंने उनको पूछा कि those executives whom you pay more than 10 crores or 25 crores, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो, क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल एमबीए फ्रॉम एलएससी और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है. इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको. 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है. ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं, तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, एचआर में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है. आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में. उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते. आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड. मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो कहा, और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है. दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग. आई सेड व्हाट डू यू आस्क, ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट. प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ.
आपके परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था है। आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल। परफॉर्मेंस से